subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. YouTube पर Tag TV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए। किसी किस्म का चैलेंजिंग जमाना हो, Tag TV अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता। आपका तावन भी हमें चाहिए। Tag TV को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें, आप इश्तहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। किताब नगरी में ताहिर गोरा आपको खुश आमदेद कहता है और मैं आज एक बार फिर तसनीफ हैदर भाई के साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हूँ, जो इस वक्त दिल्ली में है। मैंने अभी दो रोज़ पहले तसनीफ हैदर भाई और महेश दत्त भाई के साथ एक बातचीत रिकॉर्ड की थी, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे वाईफाई के वीक कनेक्शन की वजह से उसमें ऑडियो का काफ़ी मसला आया। हमने फिर भी वो वीडियो ऑन एयर कर दिया क्योंकि उसको सुना जा सकता है। वो बातचीत बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जैसा कि मैंने उसमें भी कहा था कि ये बातचीत आगे चलती रहेगी। मेरे साथ वीडियो लिंक पर जुड़े हुए हैं तसनीफ हैदर भाई। तसनीफ हैदर भाई, आदाब। अदबी दुनिया का बहुत बढ़िया मुझे काम लग रहा है और मैं बातचीत आज शुरू करूंगा कि आपने अदबी दुनिया में अमृता प्रीतम के, किशन चंद्र के, राजेंद्र सिंह बेदी के और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, महाभारत का एक पूरे का पूरा सिलसिला ऑडियो में लगाया है। महाभारत से हम बातचीत शुरू करेंगे इसलिए कि ये जो कथा है ये तमाम लोगों के लिए जो उस रीजन में बसते हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मगर इसको हमने एक बिल्कुल हिंदू और नॉन हिंदू इशू बना दिया। ये वैसे ही इतनी पावरफुल कथा है, तो इस कथा को जब आपने अदबी दुनिया पर ऑडियो बुक्स की सूरत में लगाया तो क्या आपके जहन में आइडिया था? जी बिल्कुल, असल में हिंदुस्तान की ये जितनी भी मतलब इस तरह की जो असातीरी दास्तानें हैं खास तौर पर, और जिनका जाहिर है कि बहुत हद तक सनातन धर्म में बहुत ज्यादा इनकी अहमियत भी तस्लीम की गई है, मैं इस बात को कहूंगा ताहिर साहब के हमने न सिर्फ महाभारत, इसके अलावा आसान अल्फाज में हमने गीता को भी अपलोड किया है अदबी दुनिया पे, और साथ ही साथ हमने बच्चों के लिए रामायण भी उसका तर्जुमा जो कि अंग्रेजी में लिखी गई है उसका हमने तर्जुमा आसान उर्दू में उसको भी अपलोड किया है, ताकि ये हम चाहते हैं कि जो रिवायती जो मतलब जो कथा, जैसा कि आपने कहा इस तरह की जो कथाएं हैं, इस तरह असल में इन्हें कहना चाहिए कि इसी से हमारे हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं, तो ये किसी ना किसी तरीके से लोगों के सामने आती रहनी चाहिए और उनको जाहिर है कि वो उसको सुने, आज के दौर से कनेक्ट करें और उस जाने कि हमारे यहाँ किस तरह से अच्छाई और बुराई की जो किस किस्म की जो जंगें जो हैं वो उस तरह से रही हैं और उसमें क्या अखलाकियात तय की गई थी। जाहिर है जमाने के साथ साथ बहुत सारी चीजों पे सवाल भी कायम होते हैं, होने भी चाहिए। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए सुनने से मतलब हमारे सुनने के लिए बहुत बहुत अहम है, हमें सुननी चाहिए वो कहानी। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि महाभारत है, ये है और इस तरह की दूसरी भी जो पुरानी हिंदुस्तान की मिट्टी हैं जो है वो ऑडियो की सोचा किया। देखिए तस्नीफ भाई, आपने बहुत अच्छी बात की कि ये जो पूरी की पूरी दास्तानें हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इस हवाले से ही नहीं है कि कोई रिलीजियस हैं, बल्कि इस हवाले से भी हैं कि ये हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है। तो आप क्या समझते हैं कि जो भारत की हिस्ट्री है उसमें महाभारत की बात समझे बगैर हम भारत की हिस्ट्री को समझ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो लगता है कि मतलब हमारे यहाँ एक इस तरह का, खास तौर पे हम ज्यादातर जो अपने यहाँ तालीम देते हैं वो गैर हिंदुस्तानी तालीमात ज्यादा हैं और आज के दौर में तो खास तौर पे हम जानते भी नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि इस तरह का जो माइथोलॉजिकल लिटरेचर है उसकी क्या अहमियत है और उसे क्यों पढ़ना चाहिए था। तो ये एक तरह से मुझे लगता है
जाने बगैर, जैसा कि आपने कहा, ये मुमकिन ही नहीं है कि हम हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की रूह को समझ पाएं, हिंदुस्तान की जहनियत को समझ पाएं, हिंदुस्तान की तय की हुई पुरानी अखलाकियात को समझ पाएं। ये तमाम चीजें जानने के लिए, ये तमाम चीजें समझने के लिए, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैं अभी हाल ही के दिनों में एक किताब पढ़ रहा था जिसमें आमतौर पर यह एतराज किया जाता है कि बहुत, मतलब इस बात पे भी जोर दिया जाता है और बहुत सारे लोग इस बात पे एतराज करते हैं, वो मनु शास्त्र पर बात करते हैं, दूसरी किताबों पर बात करते हैं और उस पर बहुत सारे एतराज करते हैं जो काफी हद तक सही भी हैं। लेकिन माधवी मेनन जो अमेरिका में पढ़ाती रही हैं, उनकी एक किताब है द हिस्ट्री ऑफ डिजायर इन इंडिया, वो मैं पिछले दिनों मैंने उसका मुताला किया। उसमें उन्होंने बहुत तफसील से ये बात लिखी है कि हिंदुस्तान जो पुराना हिंदुस्तान है, जो एंशियंट इंडिया है, वो कितना ज्यादा आजाद, उसका जहन जो था वो कितना आजाद था, वो कितना, उसने किस तरह से एक चीजों को किस तरह से अपनाया है, उसके यहाँ कुशादा दिली कितनी ज्यादा थी। तो ये से समझे बगैर, ये जाने बगैर अगर कोई आदमी जाहिर है कि बात करता है, चाहे वो हिंदू धर्म का ही आदमी क्यों ना हो, और वो अपने ही लिटरेचर को अगर नहीं जानता है तो वो हिंदुस्तान की रूह को नहीं जानता, तो मुझे लगता है कि इसलिए इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है। आपने बड़ी अहम बात की, आपने कहा चाहे कोई हिंदू धर्म से क्यों ताल्लुक ना रखता हो, अगर वो अपने हेरिटेज को, अपने विरसे को नहीं जानेगा तो वो हार्मनी सोसाइटी में नहीं बनेगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं तो इस पर भी थोड़ा सा एक कदम आगे जाता हूँ, जब हम इनको माइथोलॉजी कहते हैं, मेरे लिए तो ये माइथोलॉजी से ज़्यादा हिस्ट्री है। ठीक है, जैसे महाभारत की पूरी वो जो लड़ी चली आती है, किस तरह राजाओं की, महाराजाओं की एक पूरी पूरी लड़ी आई, वो मेरे लिए कोई मिथ नहीं है बल्कि हिस्ट्री है। तो क्या आप मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे समझेंगे? असल में मैं अगर यहाँ पर कुछ अर्ज करूँ जो मेरी अकल के मुताबिक जितना थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ मैं इन सब चीजों को, उसमें मुझे लगता है कि माइथोलॉजिकल जो भी जब हम कहते हैं कि इस तरह की जो चीजें हैं वो कहीं और से, मुझे नहीं लगता तारीख साहब आती हैं। असल में एक तरह की तारीख ही है वो भी, और उनमें भी ये होता है कि भाई एग्जिजरेशन जो है वो वक्त के साथ और बहुत सारी चीजें जो हैं वो बदल जाती हैं, वो उस तरह हम तक नहीं पहुंचती हैं। जाहिर है कि जिस तरह आज मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री कोई शख्स लिखेगा, वो एंशियंट इंडिया में उस टाइमिंग में उससे पहले के ऐसे लोगों के बारे में जिनके जिनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में भी ठीक से ना पता हो लोगों को, उनके बारे में लिखना और उस थोड़ा दूर से लिखना, तो उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं। जैसा कि हमने देखा कि तारीख फरिश्ता में ही जिक्र कर दिया एक वाकये का, उनके वो मुसन्निफ हैं उन्होंने, लेकिन अबुल फजल फैजी का हवाला देके, लेकिन वो जाहिर है कि उस वक्त जो बर्नी ने जो तारीख लिखी, तारीख फिरोज शाही जो उस जमाने में तारीख लिखी गई, उसमें वो वाकया कहीं नहीं था, जो कि खुसरो के जमाने में पूरा एक चित्तौड़ का वो, सॉरी मैं इसका इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो पूरा सिलसिला था जिसपे पूरा हंगामा, बहुत बड़ा हंगामा हुआ हिंदुस्तान में, तो जाहिर के राजस्थान के तल्लुक से, तो ये जो है सारी चीजें, मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है माइथोलॉजी भी एक तरह की हिस्ट्री है, हम उसको चाहे माइथोलॉजी कह लें चाहे हिस्ट्री कह लें, वो एक अननोन टाइम की एक तरह से हिस्ट्री है, तो शायद वो थोड़ा सा उसमें मिथ का एक वो शामिल हो जाता है। बहुत आपने अच्छी बात की कि माइथोलॉजी भी इनफैक्ट हिस्ट्री ही होती है, ये सिर्फ महाभारत की या भारत की बात नहीं है, किसी भी नज़रिए की अगर आप माइथोलॉजी या हिस्ट्री उठा लें तो आपको यही बात मिलेगी। ये माइथोलॉजी, आप बहुत दुरुस्त बात कर रहे हैं कि ये असल में हिस्ट्री ही होती है, और किसी भी आप रिलीजन की माइथोलॉजीज को उठा लीजिए या किसी भी हिस्ट्री की माइथोलॉजीज को उठा लीजिए, यानी ये इस बात को आप कॉइन के दो रुख समझ लीजिए, तो ये असल में हिस्ट्री ही होती है। इम्पॉर्टेंट बात मेरे लिए ये है कि आप दिल्ली में बेस हैं और दिल्ली में बैठकर जब आप अदबी दुनिया अपने YouTube के चैनल पर, जो मैं सब भारतीयों को कहूँगा कि उनको जाना चाहिए,
क्योंकि उसमें इतनी नादर किताबें हैं, इतनी इम्पॉर्टेंट किताबें हैं, और उसमें जब महाभारत है, अमर्ता प्रीतम है, जब उसमें तमाम बड़े बड़े नामी गरामी भारतीय राइटर्स हैं, जब अब्दुल्ला हुसैन की बात होगी तो वो ज़ाहिर कहा जाएगा कि पाकिस्तानी बैकग्राउंड के, तो पाकिस्तान ख़ुद भी तो भारत ही है ना, और जो उनका नावल उदास नस्लें वो तो है ही भारत की हिस्ट्री, जो रीसेंट भारत है उसकी हिस्ट्री है, और आपने इतनी बेशुमार नादर किताबें लगाई हैं, तो इससे जो इस वक्त की भारत की एक तरह से नई रिवाइवलिज्म की बातचीत चल रही है, मैं इसे आपको जोड़ना चाह रहा हूँ कि जो हमारी हिंदू कम्युनिटीज़ है वो फील करते हैं कि वो लेफ्ट आउट रह गए, तो आप तो उनको लेफ्ट आउट नहीं रख रहे, आप तो अपनी अदबी दुनिया में बगैर ये सोचे कि किसको रखना है किसको नहीं रखना, आप जो इम्पॉर्टेंट बात है उसको रख रहे हैं, तो अदबी दुनिया की अहमियत इस हवाले से क्या बनती है इस हारमोनी में, इस नए अहद में, जब हमारे हिंदू बहन भाई ये सोचते हैं कि वो साल हर साल से लेफ्ट आउट हैं लिटरेचर की दुनिया में, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स की दुनिया में, तो आप तो उनको इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में ला रहे हैं, इस पर ज़रा बातचीत कीजिए। ताहिर साहब, मैं दो बातें अर्ज करना चाहूंगा। आपने जो बातें कही हैं उनमें दो मुख्तलिफ किस्म की बातें हैं। अव्वल तो मैं जो काम कर रहा हूँ वो नहायत अदबी बुनियादों पे है, और उनमें सियासी तौर पे वैसे तो कोई उसका वो नहीं है, मकसद नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि हम ये चाहते हैं कि इस तरह का लिटरेचर सामने आए जो एक तरह की हारमोनी क्रिएट करे। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि इसमें एक सबसे अहम बात यह है कि मैं रामचंद्र गुहा के हवाले से एक बात, जो कि उनको काफी हार्ड कोर हिंदूज कहते हैं कि, लेकिन उन्होंने भी ये बात कही है अपने तारीख में कि भाई जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन में उस वक्त जो है मुसलमानों को एक यूनाइटेड इंडिया पे राजी करना, किसी एक हिस्टोरियन का हवाला देकर यह बात कही है कि मुसलमानों को एक यूनाइटेड इंडिया पे राजी करना ज्यादा मुश्किल काम था बनिस्बत इसके कि हिंदुओं को डिवाइडेड इंडिया पे राजी कर लिया जाए। तो आप सोचिए कि एक, मतलब मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ तो एक पढ़े लिखे शख्स के तौर पे थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि मेरी कम्युनिटी से गलती हुई है, और वो गलती पार्टीशन के की मांग की है। हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होना चाहिए था, किसी हाल में नहीं होना चाहिए था, वो एक बहुत ही गलत डिसीजन था। उसका नुकसान जो बाद में हुआ वहां पे, उसमें मैं आपको, मतलब एक बहुत सारी बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन एक जो बड़ा नुकसान है वो वहां की जो वो उन कम्युनिटीज का हुआ है जो वहां पे माइनॉरिटी में थी खासतौर पर। तो वहां ये हुआ कि आपस में, खैर वो जितना भी सुन्नी और वहाबी और सुन्नी और शिया लड़ते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन इसके अलावा हमने आंख ओझल भी पड़ा जिसमें हमने देखा कि अहमदियों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, और हमने खालिद पूर का ईरावती अफसाना जो हमने अपलोड भी किया हुआ है इस पर दुनिया पे, उसमें हमने देखा कि हिंदुओं के साथ वहाँ क्या होता है कि खासतौर पर उनको ये तक इजाजत नहीं है कि वो मूर्तियां तक रख सकें अपनी अपने मंदिरों में, और ये किसी और ने नहीं, खुद मुसलमान अफसाना निगारों ने ये सब कहानियां लिखी हैं, और खुद वहां के आप जब ऐसे लोगों को पढ़ते हैं तो खैर ये मैं कहना चाह रहा हूँ और ये करना चाह रहा हूँ कि जब तक हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि पार्टीशन एक गलती थी, और इस बात को मानेंगे नहीं कि भाई ये हमसे ये हुआ है, हमारे ही हम मजहबों से हुआ है, तो अगर ये इस तरह की गलती हुई है तो इसको अब हम तो जाके तारीख में तो बदल नहीं सकते, लेकिन कम अज कम हमें अपने हिंदू भाइयों को इस बात का एहसास दिलाना है कि भाई हम आपके किसी भी तौर पे हम आप अपने पूर्वजों अपने बाप दादाओं जैसी सोच नहीं रखते हैं। तो हमारा जो मामला है ये हम नए हिंदुस्तान को देखना चाहते हैं, हम एक हमारा जो मामला है हम ये समझते हैं कि जिस अखंड भारत में आपका यकीन है उसमें हमारा भी यकीन है। तो ये इस तरह की बात है, मैं चाहता हूँ कि ये एक सियासी बात है और एक ये अदबी बात है, तो अदबी दुनिया इस हवाले से मैं चाहता हूँ कि वो लिटरेचर भी सामने लाए। बहुत आपने अहम बात की, आपने ऐसी अहम बातें की हैं, ये कहना चाहिए इस अपने तबसरे में, कि अगर मैं इनको थोड़ा सा और एक्सपेंड करूं तो ये तो बहुत ज़्यादा सियासी गुफ्तगू बन जाएगी, लेकिन एक अलमिया ये है तस्नीम भाई कि हमारी जो अदबी एलीट होती है ना सो कॉल्ड, वो सही ये समझती है कि सियासत जो है वो अदब से अलग है या कोई कमतर शय है, हालांकि अदब की पूरी असास और तश्कील ही सियासी हालात
करते हैं। तो मैं अदबी हवाले से आपकी कमेंट्री इसमें लेना चाहूंगा, ना कि सियासी हवाले से। नहीं नहीं, देखिए हमने आपका नॉवल जब पढ़ा रंग महल, और ऐसे हमने कई नॉवल पढ़े हैं जिनमें जाहिर है कि कहीं ना कहीं एक कौम का मिजाज और उसके जेरे असर होने वाली सियासत, ये तमाम चीजें हमें नजर आती हैं। चाहे वो एक कम्युनिटी कहीं उठ के कहीं माइग्रेट करके गई हो और फिर वहां चाह रही हो एक अपने तौर पे कि हम वहां की लिबरल सोसाइटी में भी एक तरह का अपना एक ऑर्थोडॉक्स रवैया कायम रखें और उसको हम आगे बढ़ाएं, तो इस पे इस तरह की चीजों पे आपने भी लिखा है। जाहिर है कि जो आपने लिखा है वो अदब से बाहर की चीज नहीं है बल्कि बहुत आला अदब है, मैं तो उस नॉवेल को बहुत पसंद करता हूँ। ऐसे ही बेहद दूसरे नॉवेल्स हैं जो बहुत ऐसे ही मौजूदात पे लिखे गए हैं। तो सियासत जाहिर है कि अदब के मौजूदात में तो सब कुछ आता है, नफ्सियात भी, फलसफा भी, सारी चीजें भी। तो सियासत किसी तरह भी कमतर दर्जे की चीज नहीं, बल्कि सियासत से तो मुझे लगता है कि ये बात अलग है। अगर आप उर्दू के हवाले से खासतौर पर अगर ये कह रहे हैं तो मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं, उनका ये रवैया है कि सियासी बातों पे हम क्या जिक्र करें और सियासी बातों के, लेकिन अगर वो ऐसा समझते हैं तो जाहिर है कि इसका नुकसान भी है कि हमारे यहाँ उस पाए का अदब तख्लीक नहीं किया जाता जिसमें ऐसी सियासी समझ बूझ पाई जाए जो जाहिर है कि हम इकरामुल्ला के नॉवेल्स में पढ़ते हैं, हम दूसरे लोगों के नॉवेल्स में मतलब हम, मैं अभी ज्यादा नाम नहीं ले सकता लेकिन ये है कि इस वक्त एक साथ सारे नाम जहन में नहीं आएंगे। खुद आपने अब्दुल्ला हुसैन के नॉवेल का जिक्र किया, वो सियासत से बाहर की कोई चीज नहीं है, उसमें पूरी सियासत मौजूद है। हिंदुस्तान के गांव और हिंदुस्तान के शहरों और हिंदुस्तान की उस वक्त जो अंग्रेजों की सियासत थी, किस तरह वो इस्तेमाल करते थे हिंदुस्तानियों का, वो तमाम चीजें जाहिर है कि उसमें मौजूद है। आपके YouTube चैनल अदबी दुनिया में जो किताबें लगी हुई हैं, जैसे अब्दुल्ला हुसैन की किताब है, इंतज़ार हुसैन का नावल बस्ती है, हत्ता के नशेब अब्दुल्ला हुसैन का जो समाजी मसाइल पर है, लेकिन उसमें भी इनफैक्ट वो इनडायरेक्ट तरीके से पॉलिटिक्स छाई हुई है, इवन अमृता प्रीतम का काम और महाभारत इटसेल्फ, चूँकि ये सियासत, राजनीति, राजधर्मा और ये सारे के सारे जो मामलात हैं उनसे जुड़ा हुआ, चूँकि आफ्टर ऑल ये इंसानी समाजों को तशकील देती है, गवर्नेंस की जो दुनिया है। मिलान कुंडेरा का कुछ काम आपने लगाया हुआ है, आपने टॉल्स्टॉय का काम लगाया हुआ है, दोस्तोवस्की का कुछ काम लगाया हुआ है, तो ये सारे का सारा जो है वो समाज के की तमाम परतों को आगे लेकर जाता है। इस सारी सूरत हाल में तस्वीर भाई, आपके जो अदबी दुनिया के लिए मज़ीद जो प्रोजेक्ट्स हैं, इससे पहले कि मैं अपने व्यूअर से ये एक तरह से गुजारिश भी करूं कि वो आपके चैनल को स्पॉन्सर भी करें, डोनेट भी करें, क्योंकि बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट काम है। खैर ये तो बात मैं आखिर में तफसील से करूँगा, लेकिन आपके जो अगले प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या हैं, आप किस तरह की किताबें और लाना चाह रहे हैं? चूँकि जब अदबी दुनिया हम ये एक वर्ड सुनते हैं, एक शब्द सुनते हैं, तो हमें एहसास होता है कि शायद ये उर्दू लिटरेचर के हवाले से है, लेकिन जैसा मैंने अभी कहा दुनिया भर का लिटरेचर आपने वहाँ पर लगाया हुआ है, जिसमें ये बात जहन में रखे बगैर कि ये कौन सी लैंग्वेज का लिटरेचर है, आपने लिटरेचर को अहमियत दी है। तो मजीद जो आपके आगे चलते हुए प्रोजेक्ट्स हैं, जरा उनके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। बिल्कुल, असल में ताहिर साहब हम ये चाहते हैं कि अभी तो उर्दू और हिंदी और हिंदुस्तान का जो रीजनल लिटरेचर है, जाहिर है कि वो ज्यादा से ज्यादा अदबी दुनिया पर अपलोड किया जा सके, खास तौर पे फिक्शन, क्योंकि फिक्शन एक तरह से, आपने नशेब का जिक्र किया और आपके शो का नाम बिला तकल्लुफ है, इसलिए चंद बातें अर्ज कर देता हूँ बगैर किसी तकल्लुफ के। नशेब में एक जगह अब्दुल्ला हुसैन ने लिखा है कि जब उनका एक किरदार है वो जाता है तो अपने वालिद के साथ एक बकरे को कुर्बान होते हुए देखता है, तो ये ब्लड को सेलिब्रेट करने की जो एक हमारी टेंडेंसी रही है बहुत अरसे तक, और जिसको हमने, जिसको मैं जाती तौर पर बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, और इसी को पढ़ने के बाद मैंने एक शेर भी कहा था कि खंजरों पर ईद की बुनियाद क्या, खून बहाने की मुबारकबाद क्या। तो ये जो है, ये तो इसमें जो पूरा मामला है ये इसमें नजर आता है कि भाई हम समाज से बिल्कुल अलहदा नहीं है ये सब चीजें, तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के समाज को समझें, और समाज को समझने का सबसे बेहतर जरिया जो है वो फिक्शन है, उन समाजी मसाइल को समझने का।
आज जब हम देखते हैं कोई गुजराती कहानी, मैं जब ट्रांसलेटेड कहानी वो मैं अपलोड करता हूँ और मैं देखता हूँ कि गुजरात एक आम गुजराती के वो मसाइल हैं जो मेरे भी मसाइल हैं बतौर हिंदुस्तानी, एक साउथ इंडिया में रहने वाले शख्स के भी वही मसाइल हैं जो मेरे मसाइल हैं। तो ये सारी चीजें जो माशियात से जुड़ी हों, जो समाजियात से जुड़ी हों, नफ्सियात से जुड़ी हों, वजूदी मसाइल हों, ये सारे के सारे समझने के लिए हमें फिक्शन की बहुत जरूरत है। और जब तक हम इसे नहीं समझेंगे, जब तक हम इसे नहीं इस नब्ज को नहीं पकड़ेंगे, तब तक जो है वो हम किसी भी तरीके से एक दूरी बनी रहेगी, चाहे हम कितने ही इलाकाई तौर पर नजदीक रहते हों। तो ये काम बहुत जरूरी है कि हम इस फिक्शन को आम करें और लोगों को ये बताएं कि भाई देखिए उर्दू में क्या लिखा जा रहा है, हिंदी में पढ़ने वाले को ये पता हो कि इस वक्त उर्दू में क्या लिखा जा रहा है, उर्दू पढ़ने वाले को ये पता हो कि इस वक्त जो है वो गुजराती में क्या लिखा जा रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी आज किया था। तो ये तमाम चीजें इसमें, और साथ साथ में इंटरनेशनल लिटरेचर जो है जिसका तर्जुमा हो चुका है या करवाया जाए और उसको जो है वो अपलोड किया जाए। और इनमें बहुत सारे मसाइल मतलब जो पेश आते हैं, अक्सर इजाजत मांगनी पड़ती है, कॉपीराइट्स के मसाइल आते हैं, तो इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए हमें कॉपीराइट्स भी लेने होंगे, तो वो एक अच्छा खासा वो रकम का भी मुतालबा करते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीजें हैं और बहुत ज्यादा जाहिर है कि एक धुन है, एक काम करना है, तो जो काम हम बगैर किसी रुकावट के कर सकते हैं वो तो हम कर रहे हैं। आगे अगर लोग सामने आते हैं, मदद करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। नहीं, बहुत ये जरूरी है कि लोग मदद करें, इसलिए कि जो किताबें आपके चैनल यूट्यूब चैनल अदबी दुनिया पर लगी हुई हैं, मैं यहाँ स्क्रीन पे भी अदबी दुनिया के यूट्यूब चैनल का एड्रेस दूंगा, उसके साथ साथ मैं वो इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जो आपको डोनेशन देने के सिलसिले में आपके अकाउंट में जो लोग ख़ासतौर पर भारत में रहते हैं आपकी मदद कर सकें। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि लिटरेचर से बड़ा पावरफुल टूल और लॉन्ग लास्टिंग टूल कोई नहीं जो एक दूसरे की तहजीबों और एक दूसरे की जो समाजी परतों को समझने में मदद दे। ये बहुत ही पावरफुल टूल है, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा तस्नीम भाई, लिटरेचर रिजॉल्व करता है कॉन्फ्लिक्ट्स को, लिटरेचर रिजॉल्व करता है इश्यूज को, क्योंकि लिटरेचर एक हायर लेवल पे जाके चीज़ों को समझने में मदद देता है, और ये जो निचली सतह के खोखले नारे होते हैं उनसे उठने की मदद देता है। तो अगरचे आप ये काम इस एजेंडे के तहत नहीं कर रहे, आप ये काम प्योर इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स के लिए कर रहे हैं, मगर ये इसका बाई प्रोडक्ट है। क्या मैं ये सब बातें दुरुस्त कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, आप क्या समझते हैं? नहीं, बिल्कुल आपकी बातें दुरुस्त हैं। जाहिर है कि कोई काम जब होता है तो उसके साथ साथ उसमें, जब हमने ये शुरू किया था तो हमें नहीं लगा था कि एक दिन ये इस मकाम पे भी पहुंचेगा कि ताहिर गोरा साहब हमसे इसके बारे में बात करेंगे। तो ये आज भी अगर ये इस मकाम तक पहुंचा है तो जाहिर है कि इसमें आपने कुछ महसूस किया है, इस काम की अहमियत को आपने समझा है, आप जैसे मजीद अदबी दोस्तों ने समझा है, ऐसे लोगों ने समझा है जो सियासी समझ बूझ भी रखते हैं, तो जाहिर है कि अगर वो इसके दूसरे जाविये देख रहे हैं तो वो किसी भी तौर पर गलत नहीं हो सकते। उनके अपने वो बिल्कुल सही जाविये हैं जिन पे आप सोच रहे हैं, उनको तो। और देखिए, जब मैं भारत में कभी कभी लिटरेरी मेलों में आता हूँ, जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल जैसे है, तो वो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन एक बहुत ही एलीट और फैंटेसी किस्म का शो है। मैं, मेरी ख्वाहिश होती है कि जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में भारत के लिटरेचर के बारे में ज़्यादा बात हो, और वो मुझे ज़रा कम लगती है, और तरह की बातें उसमें ज़्यादा होती हैं। मैं एक बार थोड़ी देर के लिए, मैं चंद घंटों के लिए रेखता में गया, वो भी मुझे अच्छा लगा। उर्दू को मैं किसी मज़हब किसी कंट्री के साथ नहीं जोड़ता, लेकिन ये बात रियलिटी है कि उर्दू बुनियादी तौर पर भारत की भाषा है, चूँकि ये भारत से निकली है, और ये अगर पाकिस्तान गई तो पाकिस्तान ये भारत से गई थी, वरना जो पाकिस्तानी वहाँ पे हैं, मैं तो ख़ुद पंजाबी हूँ, मेरे अबाउजदाद की ज़ुबान तो पंजाबी थी, सिंधी थे वहाँ पे, जो पाकिस्तान बना उसमें जो कौमें शामिल हुई या की गई, बलोच हैं और पश्तून हैं, तो वहाँ की किसी कौमियत की ज़ुबान
उर्दू नहीं थी, तो उर्दू इनफैक्ट भारत से गई थी वहां पे। तो मैं जब ये कभी कभी देखता हूँ कि भारत में एक रिएक्शन सम टाइम बिल्ट होता है कुछ कॉर्नर से कि उर्दू हमारी ज़ुबान नहीं है, ये पाकिस्तान की ज़ुबान नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तमाम भारतीयों को उर्दू को सेलिब्रेट करना चाहिए इसी तरह जिस तरह दूसरी ज़ुबानों को सेलिब्रेट करते हैं। और फिर उर्दू और हिंदी का जो रिश्ता है वो तो इतना गहरा है, मुझे तो सिर्फ स्क्रिप्ट का फ़र्क लगता है। तो इस सिलसिले में रेख्ता की जो परफॉर्मेंस है या इवन जो हिंदी लिटरेरी फेस्टिवल है उनकी जो परफॉर्मेंस है, उन परफॉर्मेंसेस वाले फेस्टिवल्स की अहमियत बहुत है लिटरेचर को, ज़ुबान को और इल्म को आगे बढ़ाने के लिए। तो इनकी जो थोड़ी दूरी भी कहीं है, इनको कैसे करीब किया जा सकता है, अदबी दुनिया कैसे अपना किरदार अदा कर सकती है? ताहिर साहब, असल में इसमें फिर वही बात है कि छोटी सी एक बात मैं ये अर्ज कर दूं कि ये जो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल है या फिर रेख्ता है या फिर दूसरे, इन ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खासतौर पर रेख्ता से तो मेरी वाबस्तगी रही है और मैं जानता हूँ कि रेख्ता ने बहुत आला काम किया है और उर्दू के लिए तो मतलब वो एक तरह की पूरी दुनिया में उर्दू को पसंद करने वालों का एक तरह से उनके लिए एक नेमत है वो वेबसाइट भी। और जाहिर है कि उनके फेस्टिवल कह सकते हैं कि उसमें भी एक तरह का वही रंग हो गया हो जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में है, लेकिन अभी भी वो उससे काफी दूर है और काफी हद तक वो अपना अदबी काम पे ज्यादा ध्यान देते हैं बजाय इसके कि किसी चमक दमक पे ध्यान दें। लेकिन फिर भी जाहिर है कि फेस्टिवल करना है तो उसमें कुछ सेलिब्रिटीज को भी वो शामिल करते हैं और वो मजबूरी है मुझे लगता है उनकी। तो इस तरह की चीजें हैं और वो चलती रहेंगी और इसमें, लेकिन ये जरूर है कि ऐसा नहीं है कि जो लोग खालिस अदब को पसंद करते हैं वो इसको ढूंढते ढूंढते इसको इसकी तलाश में वो सरगर्दा रहते हैं और उनको जैसे ही पता चलता है कि इस तरह का कोई काम हुआ है तो वो जरूर उसको न सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि आगे बढ़ के उसका साथ भी देते हैं। तो मैंने इस तरह से ये मेरा अपना अब तक का मुशाहिदा ये है कि मतलब अदबी दुनिया को कुछ करना नहीं पड़ा है अब तक सिवाय इसके कि वो अपने काम पे ध्यान दे। वो दूरियां और जिस तरह के लोगों की आप बात कर रहे हैं कि वो उर्दू को कहते हैं कि ये हिंदुस्तान की जबान नहीं है या फिर वो पाकिस्तानी जबान है या फिर वो बाहर की कहीं किसी दूसरे मुल्क की जबान है, मुझे लगता है ऐसे लोग अभी भी हिंदुस्तान में बहुत कम है। ऐसे लोगों को जो इस तरह की बातें करते हैं वो तारीख वगैरह से वाकिफ नहीं है और बहुत ही जिसे कहना चाहिए बहुत मामूली समझ रखते हैं उसी तरह के। और इस तरह के जो सख्त गिर मजहबी किस्म के लोग होते हैं या इस तरह की सोच रखने वाले, वो हर कौम में पाए जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यह है कि ज्यादातर जो हिंदू कम्युनिटी है वो मैंने देखा है कि फराग दिल है और वो आगे बढ़कर इस तरह के कामों को न सिर्फ गले लगाते हैं बल्कि उसका बड़ा कुशादा दिली से इस्तकबाल करते हैं उसको जारी रखने में और काफी मतलब साथ देते हैं। तो ये है, इसमें हम अपना किरदार यही अदा कर सकते हैं कि भाई हम मुस्तकिल इस तरह के कामों को करते रहें और इस तरह के कामों में किसी तरह की भी रुकावट पैदा ना हो। यूं तो अदबी दुनिया में कंटेम्प्रेरी लिटरेचर भी आप ऑडियो बुक्स की फॉर्म में लगाते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं। मुझे लगता है कि शायद इस सिलसिले को और बढ़ाना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए आपको भी रिसोर्सेज चाहिए, आपको भी मदद चाहिए ताकि आपके साथी जो हैं, आपकी जो टीम है, वो ज़्यादा वक्त दे सकें। और फिर वो जो आपने कॉपीराइट्स की बात की वो भी है। इसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ तस्सीम भाई, अदबी दुनिया पर शायद आपको कुछ मुज़ाकरे और कुछ मुबाहिसे भी अब शामिल करने चाहिए, जैसे कि लिटरेचर इस वक्त किस तरह का लिखा जा रहा है, ख़ास तौर पर जब कभी आप मुज़ाकरा करें इंटरनेशनल लिटरेचर के हवाले से, उसकी कंटेम्प्रेरी जो सिचुएशन है उस पर उसके जो पैनलिस्ट हैं जो आप समझें कि वो बेहतर बोल सकते हैं आप उनको बुला सकते हैं, और इसी तरह आप जो भारत में लिखा जाने वाला इस वक्त का लिटरेचर है उस पर मुबाहिसे करें, और जो क्लासिक लिटरेचर मौजूद है और जो मॉडर्न क्लासिक लिटरेचर उस पर भी आप मुबाहिसे कर सकते हैं। तो आप क्या इस हवाले से भी सोचते हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए? ये एक तरह का तनकीदी असासा होगा, चूँकि वो जो आलोचना है, वो जो क्रिटिसिज्म है, वो हमारे जो भारतीय लिटरेचर हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का, उर्दू, हिंदी, गुजराती, मलयालम, किसी भी लैंग्वेज का, वो ज़रा कम हमें नज़र आता है, डिस्कशंस कम नज़र आती हैं। उसके लिए आपको कितने रिसोर्सेज चाहिए और क्या आपकी प्लानिंग किस हद तक है इस काम के लिए?
दाई साहब, हम अभी तो हमने सारा अपना जो ध्यान है वो ऑडियो पे मरकूज कर रखा है। वीडियो के लिए जाहिर है कि ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए, तो हम उसे वीडियो ना करके हम ऑडियो ही करना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम इसको ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं काम को। और जैसा कि आपने कहा कि अगर हम किसी को किसी का वक्त चाहेंगे तो उसको जाहिर है कि कुछ उजरत भी देनी होगी उसके वक्त की। और फिर किसी तरह से हम किसी को किसी भी चीज के लिए एंगेज करने से पहले 10 चीजें सोचनी पड़ती हैं। और इतने पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिर है वो अपना वक्त अपना दे चुके हैं लिटरेचर को, तो उनसे यूं ही कह देना कि भाई आप हमारी बहस में शरीक हो जाइए, इस तरह से वो थोड़ा सा मतलब बदअखलाकी पे महमूल करता हूँ मैं उसको। लेकिन यह है कि फिर भी हम, या आपकी ये तजवीज बहुत अच्छी है, और इसके अलावा भी अब हम ये कर रहे हैं कि अभी आप देखेंगे कि कल परसों में हमने समाजी मसाइल पे मुबाहसे तो शुरू करा दी हैं, जिसमें हम बहुत मतलब मशहूर लोगों से बात ना करके आम किस्म के जो तालिबे इल्म हैं, जो ऐसे अच्छी उम्दा सोच रखने वाले और बागी सोच रखने वाले और नई सोच रखने वाले जो जवान हैं, नौजवान हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह की डिबेट्स और इस तरह की कन्वर्सेशंस और इस तरह की बातें आप आगे ऑडियो में इसको सुन पाएंगे जल्दी। हमने इसका सिलसिला शुरू कर ही दिया है। बहुत उम्दा बात है। और आज की जो हमने बातचीत की, इसमें आप महसूस करते हैं कि कोई बात आप इजाफा करना चाहें? अब मैं यही कहना चाहूंगा कि अक्सर हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान के ताल्लुक से लिटरेचर के बारे में हमारा ये मानना है कि बहुत कम किताबें, खासतौर पे उर्दू और हिंदी पढ़ने वालों के यहाँ। असल में मैंने पिछली गुफ्तगू में भी शायद ये बात कही थी कि हमारे यहाँ अच्छी लिटरेचर को लिखने के लिए वो तरबियत नहीं हुई कि हम जो हैं वो, अगर आप किसी बुक शेल्फ में ऐसी किताबें लगा दें जिसमें अच्छे और बुरे सभी किस्म के राइटर्स हों, तो जाहिर है कि पढ़ने वाला जो है वो अच्छे राइटर्स को भी पढ़ेगा, बुरे राइटर्स को भी पढ़ेगा, तो उसकी कोई तरबियत नहीं हो पाएगी। तो हम चाहते हैं कि हम अपने सुनने वालों का वक्त न जाया करें, उनकी जहनी तरबियत करें और उनको ऐसी चीजें फराहम कराएं जिससे जिनको सुन के उन्हें कुछ हासिल हो। ऐसा ना हो कि वो उसे सुने और उनको उनकी सोच में किसी किस्म का कोई इनकलाब ना आए, वो उतनी जामिद रहे, वो उतनी एक ही जगह पर जमी हुई ऐसी ठोस रहे। तो हम चाहते हैं कि कुछ हलचल पैदा हो, लोगों के जहन में किसी किस्म का कोई इंकलाब पैदा हो। इसी किस्म का काम करने के लिए हम इसे जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं इस बात को शामिल करना चाहूँगा, यहाँ स्क्रीन पर मैं ये इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ जो आपके यूट्यूब चैनल पर आपको डोनेशन या स्पॉन्सरशिप के हवाले से आपके एक सर्टन बैंक अकाउंट की डिटेल हैं, और वो भी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपसे रابطہ कर सकें। आपसे रابطہ मेरा ख़्याल है ईमेल के ज़रिए करना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारी ईमेल्स वसूल करते होंगे। एक बार हमें अपना ईमेल एड्रेस बताइए तसनीम भाई, ताकि जिस पर बिल्कुल adabiyadunia@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर भी हम अपने व्यूअर्स को देंगे। मैं तसनीम हैदर भाई बहुत शुक्रगुजार हूँ, आज आपने फिर वक्त दिया, और हम आपको इंगेज रखेंगे, कुछ अदबी मुबाहसे हम भी करेंगे आने वाले दिनों में, और उसमें ये जो जनरल बातें हैं ये शायद नहीं होंगी, वो डायरेक्ट उन अदबी मौजूआत पर ही बातचीत होगी। लेकिन जो अदबी दुनिया के हवाले से आपका काम है और जो भारत में लिटरेरी लैंडस्केप है, बुक लैंडस्केप है, उस हवाले से भी हम आपको अपने साथ इंगेज रखेंगे, क्योंकि आपकी बातचीत और आपकी कोशिशें दोनों हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। व्यूज़, आपने अदबी दुनिया के रूह रवान जनाब तस्नीम हैदर भाई की ये सारी बातें देखी और सुनी, और उम्मीद है कि अदब के हवाले से आपकी जो तवज्जो है अदबी दुनिया इनके यूट्यूब चैनल के हवाले से वो भी बढ़ेगी, और अदब के मुताले के सिलसिले में भी आप में एक पैशन और बढ़ेगा। आज का तजिया तस्नीम हैदर भाई और मेरे बीच देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. YouTube पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए। किसी किस्म का चैलेंजिंग जमाना हो, टैग टीवी अपने व्यूज और न्यूज
लाने में देर नहीं करता। आपका तावन भी हमें चाहिए। टैग टीवी को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें, आप इश्तहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। किताबें जो पढ़ी जाती हैं मगर समझी नहीं जाती, किताबें जो लिखी जाती हैं मगर पढ़ी ही नहीं जाती, किताबें जो मकबूल होती हैं मगर कबूल नहीं होती, किताबें जो बेमिसाल होती हैं मगर मसाली नहीं बनती। किताब नगरी में किताबों का चर्चा हर हफ्ते लेकर आऊँगा आपके लिए, अपने लिए। किताब नगरी ताहिर गोरा के साथ।